first call like, second TX, third reckoning. टीम है इग्नाइट करके, आई डोंट नो द फुल नेम ऑफ द टीम. ये लौंडे अपने लेके गए हैं लाइन पे कि हमें को कुछ बोलेगा तो हम हाथा भाई बता देंगे. मतलब फक ब्रो, ये इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है ना मेरे को. मतलब मैं क्या बताऊं, चुप रहने से तो बेटर ही है भाई मेरे लिए कि भाई मेरे सामने गलत हो रहा है कुछ तो मैं देख के, अरे नहीं यार भाई शांत रहते, ये नहीं हो पाएगा भाई मेरे से. इसलिए मैंने ऑल द प्लेयर्स एक्चुअली लव्ड व्हाट ही हैव जस्ट डन. आई मीन हां, स्काउट जैसे एक बड़ा जो पर्सन जो है, अगर उठा गया बोल रहे कि मेरे को आईडिया नहीं था करके तो सारे प्लेयर्स कुछ बोल नहीं पा रहे थे. मैं शूट्स और ये सब पैकिंग पैकिंग में टाइम लग रहा था. यो का स्टोरी देखता हूं मैं अभी. आई विल नॉट रिप्लाई एनीवन फोकसिंग ऑन लैन, बट आई विल रिप्लाई आफ्टर लैन. भले ही वो कोई भी हो, आई डोंट केयर किसी किसके कितने नंबर्स है. भले ही वो 4 मिलियन वाला हो या उल्टा गैरो वाला हो या वाला, अभी मैं 4-5 दिन चुप रहूंगा जब तक जिसको बजना है बजो. स्काउट लैंड पे जा नहीं रहा बंदा, लकी है भाई. शायद उसको भी पता है कि भाई लैंड पे नहीं आने वाला स्काउट, तो फिलहाल के लिए मैं कुछ बोल सकता हूँ. और जब मैं घर पे जाऊंगा लैंड खत्म होने के बाद तभी बचूंगा नहीं, क्योंकि अगर उधर बच गया ना ब्रो, इसकी गांड में उंगली डाल के सारी चर्बी निकाल देंगे यार. तो बात तो सही है गाइस. वो अगर अभी जाके कुछ बोला ना यार, लियो अगर अभी कुछ बोला तो लैंड पे उसको टेलने के लिए भाई लोग वहां पे लाइन में खड़ा रहेंगे, एक एक थप्पड़ थप्पड़ मारते रहेंगे लाइन में रहेंगे. बेटर. बट प्रॉब्लम पता है यार, प्रॉब्लम ये है कि आई होप कि भाई लैंड में कुछ ऐसा हो ना. इश्यू है कि यार इफ वंस एक बार लैंड में कुछ ऐसा सीन हो गया और वो बहुत बड़ा इश्यू में अगर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से लोगों को ये दिख गया कि भाई हाँ ई स्पोर्ट्स लैंड इज जस्ट यू नो पीपल फाइटिंग ईच अदर, यू नो बच्चे है, बच्चे लोगों को ये यू नो फाइट करने के लिए एक लैंड बना दिया और वो है, उस वजह से यार क्राफ्टन का पूरा लैंड का प्लान ही खत्म हो जाएगा. हो सकता है कि यार आगे जाके गवर्नमेंट भी यार इस चीज को देख के परख के बोलेंगे कि भाई ये बच्चे लोग आपस में बस लड़ाई कर रहे हैं. एंड मैं एक चीज क्या सुन रहा हूँ, वैसे मैं सुन रहा हूँ कि आप लोग आजकल सभी स्ट्रीमर्स को बहुत प्यार दे रहे हो. हम आजकल वर्ल्ड की जनता के पीछे सारे स्ट्रीमर्स कास्टर लोग फैन बन रहे हैं. क्या बात है, आजकल गॉडलाइक की जनता हर जगह जाके हार्ट स्पैम कर रही है यार, लोगों को प्यार दे रही है यार. ये जेन्युइन सुनकर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना, ट्रस्ट नहीं इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब फाइनली पीपल आर टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट गॉडलाइक फैंस. आई मीन एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस यार, तुम लोग की करके अच्छा लगा यार, दिल से टू बी वेरी बहुत अच्छा लगा. आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी दिल से खुद से अच्छा लगा रहा है यार कि हमारे बारे में लोग अभी अच्छा बोल रहे हैं. लाइक यू नो स्पीरो का मैंने चैट देखा, ही वॉज गोइंग क्रेजी. सरदार जी का मैंने देखा, फिर मैंने बीच में एफ्रेलिन का देखा था, लाइक ही वॉज सो ब्लेस्ड. जूसी का देखा. आई मीन यार है यार, मतलब कोई कुछ भी बोल ले भाई, तुम लोग अलग प्राणी लोग यार, अलग नेक्स्ट लेवल लोग है तुम लोग. बाय पाजी, एकदम सपोर्ट तो देखिए ओनली गॉड लाइक लोगो और वॉच. सी मेरे 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 को पता क्या लग रहा है, मेरे मन में क्या इच्छा थी, मैं तुम लोग से एक चीज छोटी चीज शेयर करना चाहता हूँ. आई नो दैट लैंड प्लेस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जहां तक मेरे को सुनाई दे रहा है, जहां पे जो जिस हॉल में वो हो रहा है एक्चुअली वो ज्यादा बड़ा नहीं है. बट इमेजिन अगर फैंस लोग येलो हार्ट्स का ऐसा पोस्टर या छोटा छोटा स्टिकर बना के लेके आ रहे, यू नो, एंड लैंड पे सिर्फ येलो हार्ट्स दिख रहे हैं लाइव पे भी. किला किला.